Hello students, welcome to ATP STAR, the super learning platform. I am your Anushka ma'am and today I have brought you a mini short series on Stoichiometry. Stoichiometry seems to be very difficult for children. I'll tell you one thing, this word is सिर्फ ये वर्ड ही बोलने में डिफिकल्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है. जो चीज आपको इसमें समझनी है वो ऐसे चुटकी में समझ आ जाएगी. तो क्या है, बहुत इजी है. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट. वीडियो को लाइक करना है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है. ओके, तो चलिए, अब अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, बेल आइकन तो दबाना ही है, वो भी दबा दिया है और लाइक भी कर दिया है, तो चलिए करते हैं शुरू. स्टोइकियोमेट्री, देखो स्टोइकियोमेट्री में ना एक बड़ी ही सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है, वो क्या है. देखो, अगर हम एक कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन की, मैंने आपके सामने एक सिंपल सी रिएक्शन दी है, ए प्लस बी जो होता है वो देता है सी प्लस डी. तो अब आपको ये समझना है कि स्टोइशियोमेट्री क्या है इसके अंदर. तो बच्चों, स्टोइशियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर केमिकल रिएक्शन के जो डाटा होते हैं ना उसको यूज करके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स निकाले जाते हैं. यानी कि आपको मान लीजिए केमिकल रिएक्शन दे दी. अब इस केमिकल रिएक्शन में आपको कुछ रिएक्टेंट, मान लीजिए लेट अस से कि ये आपको ऐसे दे दिया कि भाई ये 20 ग्राम्स आपका रिएक्टेंट है. अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके और केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है उसको यूज करके ये बता दें कि भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा, वही होगा आपका क्या, स्टोइशियोमेट्री. वो ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो ये डील करती है उसे स्टोइशियोमेट्री कहते हैं. बस अब क्या है, बस बड़ा इजी है. अब क्या करना है कि ये जो रिलेशन है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिलेशन हो सकता है. हो सकता है कि रिएक्टेंट के मासेस को रिएक्टेंट के मास के साथ ही रिलेट किया जाए. जैसे कि इसका भी मास दे दिया, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, दोनों के मासेस दे दिए और इससे हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हों. हो सकता है कि आपको इसका मास और इसकी वॉल्यूम में रिलेशन निकालना हो तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी होता है. हो सकता है कि वॉल्यूम वॉल्यूम को रिलेट करना हो तो वॉल्यूम वॉल्यूम भी रिलेशनशिप होता है. तो ये सब स्टोइशियोमेट्री के अंदर आते हैं, ठीक है. तो वन बाय वन हम सभी को पढ़ेंगे. आपको अभी क्या समझना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इतना तो मुझे समझ आ गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जब हम मासेस या वॉल्यूम को रिलेट करते हैं तो वो स्टोइशियोमेट्री के अंदर आता है. अब आपको समझना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स क्या होते हैं. इसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस से मैंने एग्जाम्पल लिया H2 प्लस Cl2 जो है ना वो मिलकर मुझे देता है HCl. रिएक्शन देख रहे हैं, यस. अब आपको इस रिएक्शन में इस रिएक्शन को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है. अब क्वेश्चन आता है कि मैम बैलेंस करना क्यों जरूरी है. वो लॉ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, यस. तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल हमेशा होना चाहिए, राइट. तो यानी कि ये रिएक्शन भी अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है. कब फॉलो करेगी, जब यहां पर क्या होगा, मासेस जो होंगे वो बैलेंस्ड होंगे. और मास कैसे बैलेंस हो सकते हैं, अगर रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड एटम्स के नंबर सेम हो, है ना. तो मैं बैलेंस कैसे कर सकती हूँ, यहां पर दो H2 है, यहां पर दो Cl2 है. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ होंगे मोल्स, मोल्स भी पढ़ेंगे. चलिए पहले ये समझते हैं, अगर ये दो H2, एक H2 में दो हाइड्रोजन के एटम है, एक Cl2 में दो Cl के एटम्स हैं, तो अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दो हाइड्रोजन के एटम और दो सीएल के एटम हो गए, यस. तो यहां पर क्या हुआ, एटम्स जो हैं वो दोनों साइड इक्वल हो गए, रिएक्शन हो गई बैलेंस. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हमें रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना है. अब एक गलती जो जनरली हम कर सकते हैं वो क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि H2 प्लस O2 है, इसको मैंने बनाया है H2O. अब आपको करनी है इस रिएक्शन को बैलेंस. तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हुए हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ दो है, यहाँ पर दो एटम्स हैं, यहाँ पर H2 के तो हाइड्रोजन के तो दो एटम्स हैं लेकिन ऑक्सीजन का एक है, तो बैलेंस कैसे करूं. यहाँ पर अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हाइड्रोजन के तो चार एटम्स हो जाएंगे,
राइट तो ये तो हम नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो जनरली गलती होती है वो क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पर टू लगा देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कंपाउंड ही चेंज कर दिया, हमने पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया। H2O मॉलिक्यूल था उसको हमने H2O2 बना दिया, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हो गई ना, तो ये नहीं करना है। तो फिर क्या करें, आप करोगे बैलेंस कैसे, अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है तो अगर मैं यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस साइड रिएक्टेंट की साइड भी एक एटम हो गया, यस। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आप मॉलिक्यूल को पूरा चेंज नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट नहीं चेंज कर सकते। अगर वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है, तो आप उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमें बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। अब बैलेंसिंग समझ आई तो अब आपको ये समझना है कि यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है। देखो अब यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा तो यानी कि यहां पर क्या है, 1 है। अगर हम यहां देखें तो यहां पर 1/2 है और यहां पर देखें तो 1 है। तो अब जब एक केमिकल रिएक्शन आपने बैलेंस कर ली है तो उसके बाद में जो इनके साथ में लगे होते हैं ये क्या है, ये है आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंस। क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंस, राइट। ये क्लियर है कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंस होते हैं। अब आपको इसके आगे क्या समझना है, अगर मैं एक H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो मैं कहूंगी कि एक H2 मॉलिक्यूल जो है वो हाफ O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मॉलिक्यूल H2O का फॉर्म करता है, राइट। अब क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि हर किसी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे भी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी एवोगैड्रो से और यहाँ भी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल, ये तो हमें पता है, यस। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अब 1 मोल H2 का हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, राइट। तो यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं हम उनको मोल्स की फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं। अगर इतना क्लियर है तो आपको स्टोइकियोमेट्री में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो खत्म हो गई। कैसे हुई, अब समझिएगा, यहां तक क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये समझेंगे कि रिलेशंस जो होते हैं, जो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, चलिए समझिए। अब हम क्या बात करते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम मास मास रिलेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज मास मास रिलेशनशिप उसे कहा जाता है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकती है, हो सकता है कि एक रिएक्टेंट का हम मास रिलेट कर रहे हैं दूसरे वॉल्यूम के साथ में, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी होती है, वॉल्यूम को हम वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। हर किसी का हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 1/1 हर किसी का एक प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो हम करेंगे मास मास रिलेशनशिप। तो क्या क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, आपको CO2 का मास कैलकुलेट करना है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग 25 grams ऑफ लाइम स्टोन। Also calculate mass of calcium oxide. तो इसके लिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपको chemical reaction पता होनी चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी studies करेंगे, जैसे जैसे आप chemistry पढ़ेंगे तो ये जो words है ना, जैसे limestone हो गया, calcium oxide हो गया, ये सब आपको समझ आने लगेंगे कि इनका क्या मतलब है। अभी के लिए मैम आपको बता देगी, perfect। तो क्या बोल रहा है, हमें mass calculate करना है, heat किया है limestone को। तो अगर आप limestone की बात करें तो limestone is CaCO3, इसको जब मैं हीट करती हूं तो मुझे क्या मिलता है, CaO+CO2, परफेक्ट। ये होगी हमारी केमिकल रिएक्शन। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि क्या ये बैलेंस्ड है, चलिए देख लेते हैं। एक कैल्शियम एटम, एक कैल्शियम एटम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई जरूरत नहीं है बैलेंस आगे कुछ करने की, राइट, कंप्लीट बैलेंस्ड है। अब मुझे पता है कि जब कुछ नहीं होता, यानी कि 1 मोल CaCO3 जब डीकम्पोज होता है तो 1 मोल CaO और 1 मोल CO2 मिलता है। अब आपको
क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, इसका मास मुझे कैलकुलेट करना है बाय हीटिंग 25 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। परफेक्ट, हमें मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? मास फाइंड आउट करना है तो मास मास रिलेशनशिप है। अब अगर आप देखें तो आपको मास गिवन है, अगर मुझे मास गिवन है, मोलर मास तो मुझे पता है ना, कैल्शियम मैं लाइमस्टोन का मोलर मास निकाल सकती हूं, बिल्कुल, तो इसका मोलर मास होता है 100 ग्राम्स पर मोल, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूं, मोल्स फाइंड आउट कर सकती हूं। यस, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये जो मोल्स आ गए वो आ गए 1/4। अब आपको क्या देखना है, आपको अपनी केमिकल रिएक्शन देखनी है जो बैलेंस्ड है। अगर हम यहां पर देखें तो जब एक मोल CaCO3 डीकंपोज होता है तो एक मोल CO2 फॉर्म होता है, तो अगर 1/4 मोल CaCO3 डीकंपोज होगा तो कितने मोल्स CO2 फॉर्म होगा, 1/4 ही तो होगा। यस yes, तो यानी कि यहां से मुझे पता चल गया कि जो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड है वो कितने हो गए, 1/4। मुझसे पूछा था दैट कैलकुलेट द मास, मास कैसे कैलकुलेट करूंगी अगर मुझे मोल्स पता है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। यस yes, तो यहां से हम क्या कह देंगे, दैट मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1/4 इनटू मोलर मास होता है 44 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो ये आ गया यहां पर 11, तो 11 ग्राम्स जो है वो CO2 फॉर्म हुआ है। अगर ये समझ आया तो अब आपको वीडियो पॉज करके मुझे ये बताना है कि CaO का मास कितना फॉर्म हुआ है, सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं, अगर हम देखें तो एक मोल CaCO3 जब डीकम्पोज होता है तो एक मोल CO2 फॉर्म होता है, तो अगर 1/4 डीकम्पोज होगा तो 1/4 CaO फॉर्म होगा। यस yes, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दैट मोल्स ऑफ CaO formed will be equal to 1/4, right? अब क्या करना है, सिंपली इसको किससे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हम मास निकाल सकते हैं, तो यहां पर मास ऑफ CaO जो फॉर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, 56 ग्राम्स पर मोल जो होता है वो मोलर मास होता है, तो यहां पर हम 56 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 14 ग्राम्स। तो यहां से हमने एक सिंपल सी चीज बताई थी, 25 ग्राम्स आपके पास CaCO3 है। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमने खुद ने निकाल ली, बस ये अगर आपको आ गया तो आपकी कोई गलती कभी भी नहीं होगी, परफेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करना है और खुद ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताना है, परफेक्ट। क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस produced at STP by combustion of 32 grams of CH4. तो अब हमें यहाँ पर combustion reaction लिखना है CH4 का। तो combustion reaction क्या होता है? जब भी कोई hydrocarbon को हम oxygen की presence में heat करते हैं तो वो उसका combustion होता है। कैसे? चलिए CH4 हमारा hydrocarbon है, उसको अगर हम O2 की presence में heat कर रहे हैं तो क्या बनेगा? हमेशा CO2 plus H2O form होगा, right? Perfect. अब आपको क्या करना है? Second step balance करना है। Balance बड़ा important है, तो चलिए balance कर लेते हैं। यहाँ पर carbon एक, यहाँ पर carbon एक, hydrogen यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर 2 से multiply कर दें। Yes. तो अब हो गए भाई hydrogen balance। अब क्या करना है? Oxygen को balance करना है। यहाँ पर दो है, यहाँ पर देखिए तो दो और यहां पर एक ये है, इनटू टू तो टू, तो टोटल चार है, तो मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हमेशा हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन रिएक्शन को इसी तरह से आपको बैलेंस करना है, परफेक्ट। तो अब मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, अब मैं डाटा देखूंगी। डाटा बोलता है दैट कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, इसकी वॉल्यूम मुझे बतानी है एट STP बाय कंबशन ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ CH4। CH4 का अगर मैं मास देखूं तो मुझे 32 ग्राम्स दिया हुआ है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है पर प्रोडक्ट में आपको गैस की वॉल्यूम पूछी है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, मोल्स से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए तो अब आपको क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स कैसे, मास तो हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। CH4 के अगर हम मोलर मास की बात करें तो ये 12 प्लस 4 16 ग्राम्स पर मोल होता है, राइट। तो यहां पर 1 और ये हो जाएगा 2, तो 2 मोल्स जो हैं वो क्या आ गए, CH4 के आ गए। अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देखूं तो उसके हिसाब से जब एक मोल CH4
का कंबशन होता है तो एक मोल CO2 फॉर्म होता है, राइट? तो अगर दो मोल, यहां पर हमने देखा ना आंसर आया 2, तो अगर दो मोल CH4 का कंबशन हो रहा है तो कितने मोल CO2 फॉर्म हो रहा होगा? दो ही हो रहा होगा, यस। तो यहां पर मुझे मोल्स ऑफ CO2 जो है वो 2 मिल गए। मुझे पता है कि एसटीपी कंडीशंस के ऊपर, एसटीपी वर्ड लिखा है, एसटीपी कंडीशंस पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 इनटू एक मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एसटीपी कंडीशन पे 22.4, तो दो मोल कितनी करेंगे, मल्टीप्लाई करना है बस, दिस विल बी इक्वल टू 44.8 लीटर्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, CO2 की वॉल्यूम निकाल ली, राइट? तो मास को यूज करके हमने रिएक्टेंट की वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर ली, बड़ा इजी था, राइट? यस, तो बस यही है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस हमने निकाल ली है, परफेक्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी आपको वीडियो पॉज करना है और खुद ट्राई करना है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन गैस। इथीन गैस कौन सी गैस होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इथीन गैस की अगर हम बात करें तो C2H4 इज योर इथीन गैस, ठीक है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट हो रही है, तो आपको समझ आ रहा है ना क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये वो हो रहा है, कंबशन हो रहा है, यस। तो यहां पर हमें पता है कि ये तो CO2 और H2O ही बनेगा, और हमें बैलेंस करना भी आता है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, पहले कार्बन एटम्स देखो, यहां पर 2 हैं, यहां पर 1 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट मुझे हाइड्रोजन देखना है, यहां 4 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ये 2 और 2, 2 और ये 4, 5, 6 हो गए, तो यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, राइट? तो ये क्या हो गई, मेरी केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। अब डाटा पे चलते हैं। डाटा कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड, इसकी क्या वॉल्यूम चाहिए टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन। ये आपको 500 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब जो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के ही इक्वल होता है, ये पता था होना चाहिए था। अगर ये नहीं पता तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? तो यानी कि अगर 500 डेसीमीटर क्यूब बोला है, यानी कि 500 लीटर्स ही बोला है। अब मुझसे पूछा है कि O2 की क्या वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी, ऑल्सो मुझे बाद में बताना है कि क्या वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म होगा। बहुत ईजी है, बस क्या करना है, मोल्स कर लो। इनफैक्ट आप क्या देख रहे हो, आप ना STP कंडीशंस देख रहे हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जब STP कंडीशंस होती हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, सेम उसी तरह से वॉल्यूम का रेशियो होता है। कौन सा लॉ है ये, एवोगैड्रो लॉ, याद है? एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था हमने कि जिस, अगर STP कंडीशंस है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस हैं, तो जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का भी रेशियो होता है। तो अगर यहां पर हम बात करें मोल्स के रेशियो की, तो मोल्स का रेशियो क्या कहता है कि जब एक मोल C2H4 रिएक्ट करता है तो 3 मोल O2 के रिएक्ट करते हैं। तो यानी कि अगर 500 लीटर्स C2H4 रिएक्ट करेगा तो कितना वॉल्यूम O2 का रिएक्ट करेगा, इनटू 3 कर देते हैं, यस। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो क्या आ गया, 500 इनटू 3, क्यों, क्योंकि सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस है, तो यहां पर हम जो मोल्स का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, राइट? तो यहां से हमें मिल गया 5 × 3 इज 1500 लीटर्स, ठीक है, परफेक्ट। तो ये मैंने वॉल्यूम ऑफ O2 निकाली। सिमिलरली आप वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे आ जाएगा, सेम वही चीज देखो कि जब एक मोल C2H4 रिएक्ट करता है तो 2 मोल CO2 के फॉर्म होते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं, तो मोलर रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो अगर 500 लीटर C2H4 रिएक्ट करेगा तो कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म होगा, 2 × 500, दिस इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। इतना इजी है इन क्वेश्चंस को करना। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं करना तो आप मोल्स निकालकर भी कर सकते हैं, बट बस वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट डू ट्राई कि इसको आप मोल्स निकालकर कैसे करेंगे, परफेक्ट।
यस, तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझने थे कि स्टोइकियोमेट्री के अंदर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज करना आना चाहिए, रिलेशंस आने चाहिए रिलेट करने, राइट तो बस इतना सा था ये कॉन्सेप्ट. एंड डू लेट मी नो कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, बस आपको घबराना नहीं है. अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है. बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना कि और कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए. थैंक यू सो मच.